जी दोस्तों, एक्सपेक्टेड बर्फबारी है और अभी तो फिलहाल बादल गुजर रहे हैं जी, क्रॉस कर रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत घने बादल आए हुए हैं। लेट्स सी कि क्या बनता है, क्या सिचुएशन बनती है, स्नोफॉल हो रही है या नहीं। हवा भी चल रही है अभी। वेलकम दोस्तों, नाश्ता करने के बाद हम लोग सीधे पहुंचे मरी और हमने करवा ली थी गाड़ी जिसके ज़रिए हम मरी पहुंचे। हेलो। और गाड़ी हमने रोकी चाय पीने के लिए, एम ठीक है देख लिया उन्होंने, तो इधर ऊपर घर नज़र आ रहे थे। मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी कि ये लोग ऊपर कैसे जाते होंगे, तो मैंने कहा चलें देखते हैं। ये देखिए रास्ता कैसा बना हुआ है, ऊपर जाना तो बहुत मुश्किल काम है। देखिए फिर चढ़ाई है, सर्दी तो कोई खास नहीं है, बादल हैं वैसे, बारी बारी हो जाएगी। वो ऊपर वाले घर में जाने को दिल कर रहा है, कितने प्यारे प्यारे घर बने हुए देखो, इतनी ऊपर, इस तरफ भी देखो। ये टैक्सी है, ये सब लोग टैक्सी चलाते हैं। देखे ज़्यादातर यहाँ पे लोगों का जो कारोबार है ना वो टैक्सी वाला है, गाड़ी चलाते हैं। यहाँ पे घर बन रहा है, ये सामने होटल है। आराम से दोस्तों, आपने पूरा व्लॉग देखना है, मैं डिफरेंट व्लॉग्स बना रही हूँ। मरी में स्टे किया, वहाँ पर हम आगे कहाँ गए, बर्फबारी वहाँ मिली नहीं मिली, और सारे व्लॉग्स आपने देखने हैं जी फ्रेंड्स। तो ये देखें इतना खूबसूरत शॉट है, और ये हमारे जो ड्राइवर भाई थे उन्होंने ये मुझे कहा कि आप हमें फ़ोन दें ताकि मैं आप पूरी फैमिली की वीडियो बनाऊँ, और ये उन्होंने इतने अच्छा पैन किया जैसे प्रोफेशनल कैमरा होता है, इतना अच्छा तो मैं नहीं मूव करती। उन्होंने बहुत प्यारा सा ये मुझे पूरा व्यू जो है पूरी वैली का बना के दिया। ये मरी जाते हुए रास्ते में हमने स्टे किया था, वहाँ पर बहुत प्यारा इसका व्यू था, तो वहाँ पर हमने कुछ पिक्चर्स ली थी। और ये देखिए ये हमारी पूरी फैमिली, और मैंने बहुत से कपड़े पहने हुए हैं। और हमने होटल में स्टे किया है, वहाँ पे हम थोड़े से फ्रेश अप हुए हैं, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर मालवा की तरफ, और बर्फबारी का मौसम बन चुका है, और आपने साथ साथ रहना है, इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे हम जी फ्रेंड्स। हम तकरीबन सुबह 9 बजे जो है होटल में पहुंच गए थे। होटल की बुकिंग मैंने ऑनलाइन करवा ली थी booking.com से, और बहुत सस्ते में तकरीबन 2000 में हमने ये होटल करवाया था। और वहां से हम फ़ौरन फ्रेशन अप हुए, और उसके बाद हम लोग गए थे सीधा माल रोड, और अभी आपको दिखाएंगे ओल्ड बाज़ार। सो अहमद, यू आर रेडी? हाँ जी, रेडी हो? चले जी, नीचे बाबा का हाथ पकड़ लेंगे, इतना नहीं है। तो इरफान साहब, बर्फबारी होनी है, क्या प्रेडिक्शन है आपकी, वेदर क्या कह रहा है? ये देखें जी, फुल मौसम बन गया है बर्फबारी वाला। अरफा को इस तरफ पकड़िएगा, इस तरफ ट्रैफिक आ रही है दूसरी तरफ जी। थोड़ा सा हटके हमने ये यहाँ पे होटल दिया है, साथ ही इधर ला रही है, ये बिल्कुल सामने ला रही है, न्याजी अड्डा है। लंडा बहुत मुनासिब प्राइस में है, अगर आप गर्म कपड़े नहीं लाए हैं तो आप लंडे से बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं न्याजी अड्डे या लारी अड्डे से जो रास्ता जाता है वो माल रोड, तो ये वो रास्ता है। ये देखिए जी, मैंने जो पिंक कोट पहना हुआ बिल्कुल वैसे ही पिंक कोट है यहाँ पे, लेकिन मेरा लंडे का नहीं है। क्या लेना है आपको? नो नो, बस पहुंचे ये ना
15 साल पहले भी नहीं मिलते थे। वेलकम टू मरी हिल्स कैंटोनमेंट। ये देखें जी, बादल कैमरे में इस तरह इतने अच्छे से नज़र नहीं आ रहे जितने रियल में। फुल मौसम है, माहौल है बर्फबारी का। हवा चल पड़ी है। और इरफान वो देखें बादल, इरफान वो तो देखें ऊपर। माहौल किसी भी वक्त बर्फबारी हो सकती है, सर्दी उतनी नहीं है जितनी देखने में लग रही है। चांसेस हैं फिलहाल तो, और ये किसी इंजामी सूरत हाल से निकलने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू की गाड़ी भी खड़ी रहती है हर वक्त। माल रोड पे भी हम खड़े हैं, जीपीओ है हमारे सामने बिल्कुल। जीपीओ को बहुत ज़्यादा रश है, आपको दिखा नहीं देखिए जीपीओ पे रश देखने बढ़ गया, फिर बादल इतने गए आपको जीपीओ नज़र ही नहीं आएगी। दोस्तों एक्सपेक्टेड बर्फबारी है और अभी तो फिलहाल बादल गुजर रहे हैं, ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। बहुत अच्छे और घने बादल आए हुए हैं। लेट्स सी कि क्या बनता है, क्या सिचुएशन बनती है, स्नोफॉल हो रही है या नहीं। हवा भी चल रही है अभी। फ्रेंड्स आज था संडे और संडे को बहुत ज़्यादा था एक्सपेक्टेड बर्फबारी, लेकिन नहीं हुई, धोखा हो गया हमारे साथ। लेकिन हमने खैर हिम्मत तो नहीं हारी और हमने प्लान बना लिया कि हम बर्फबारी देखेंगे जो मर्ज़ी हो जाए। तो मरी में जब बर्फबारी नहीं हुई तो हम आगे निकल गए साथ वाले हिल स्टेशन पे, नथिया गली। वहाँ पे बहुत बर्फबारी होती है और स्नो भी बहुत होती है। तो नेक्स्ट मेरा व्लॉग जो है वो नथिया गली और अयूबिया के हवाले से आएगा, जिसमें आप रज के स्नो देख सकेंगे और हमने स्नोफॉल भी देख लिया। तो हमारा वो भी जो ख्वाब था वो पूरा हो गया और बहुत हमने इंजॉय किया, मज़ा आया। और होटलिंग के हवाले से फ्रेंड्स आपको बताऊं, अगर आप होटल में स्टे करना चाहते हैं तो माल रोड पे बहुत ज़्यादा महंगे होटल्स होते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि ज़रा हट के आप जो है वो होटल लें, जो है डाउनटाउन जिसे कहते हैं, लाइक जहाँ पे लारी अड्डा है वहाँ पर नीचे मुनासिब कीमत में आपको होटल्स जो हैं वो मिल जाते हैं। लाइक वहाँ पर माल रोड पर अगर एक नॉर्मल होटल का जो वन रूम का रेंट था डबल बेड वाला, तो उसका रेंट था तकरीबन 6,000, 7,000, 8,000। अवेलेबिलिटी भी बहुत कम थी, तो हमें जो है लारी अड्डे पर हमने थोड़ा सा हट के जब लिया तो हमें वहाँ पर तकरीबन 2,000 रुपये में मुनासिब सा रूम मिल गया।